आपका स्वागत है YouTube के भोजन पाठशाला चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा आम के अचार का गुड़ुम्बा। इसे हम आम की चटनी भी कहते हैं, खट्टी मीठी। इसमें हमें चाहिए आम, कच्चे आम। इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये देखो, छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और गुड़ चाहिए, जितना हमने 1 किलो आम लिया है तो हमने 1 किलो ही गुड़ लिया है। इसको मैंने हल्का हल्का साइज से दबा दिया है ताकि ये गलने में आसानी हो। मसाले में हम डालेंगे लाल मिर्च, ये मैंने कश्मीरी मिर्चा ली है, आप नॉर्मल मिर्चा भी ले सकते हो। नमक लेंगे थोड़ा सा, और इसमें बाद में डालने के लिए जो हम मसाला यूज करेंगे जिसे हम भून के तैयार करेंगे, उसमें जीरा, सरसों, सौंफ, मेथी दाना ले लेंगे और अजवाइन, ये सब हमने 1-1 चम्मच लिए। मेथी दाना हमने, सरसों हमने आधी चम्मच लिए। इसमें थोड़ी सी हम इलायची भी इस्तेमाल करेंगे, ये देखो, फ्लेवर के लिए। ये हम आखिरी में डालेंगे। अभी मैं आपको यूज करूंगी तो धीरे धीरे आपको बताती रहूंगी कि कैसे चीज को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम आम को बर्तन में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारा आम जो है हम बर्तन में डाल देंगे। इसे हम गैस पे बाद में रखेंगे। ये देखिए, इसी में हम गुड़ को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारा गुड़ जो है हम आम में डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम गैस पे रखेंगे इसे, और इसको हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि ये, इसे हल्के हल्के हाथ से चलाना है। बिल्कुल हल्का सा गर्म होने के बाद गुड़ पिघल जाएगा और ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा। तब तक इसे हल्की गैस पे चलाते रहना है साथ साथ, बड़े आराम से। देखो, गुड़ पिघल गया बिल्कुल। अब इसको हम हल्की आंच पे धीरे धीरे पकने देंगे और इसमें हम आधी चम्मच कश्मीरी मिर्चा डालेंगे। नॉर्मल मिर्चा भी डाल सकते हो, लेकिन कश्मीरी मिर्चा का जरा रंग अच्छा आता है। आधी चम्मच ही नमक डालेंगे, इसमें नमक का इस्तेमाल कम ही होता है क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार बनता है। ये देखिए, अब इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे धीमी आंच पे बीच बीच में चलाते भी रहना है, धीमी आंच पे पकाएंगे। अपने आम का गुड़म्बा तैयार हो रहा है, इतने हम इसके अंदर डालने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा बर्तन लेंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, गैस कम ही रखेंगे, 1 चम्मच सौंफ, सौंफ की मात्रा बढ़ा सकते हो, और 1 चम्मच ही मेथी। इसमें थोड़ा सा सरसों दाना भी डालेंगे, आधी चम्मच, और इसको बराबर हिलाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। देखो, मसाला तिड़कने लग गया है, और इसको हल्का हल्का जब तक ये भुन ना जाए इसे चलाते रहेंगे। बंद कर दिया है, लेकिन मसाले को हम चलाना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये जल जाएगा। इसे जब तक ये फ्लेम हल्की ना हो जाए, बर्तन ठंडा ना हो, इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, गुड़म्बा गाढ़ा हो गया है, ये बनने लग गया है। जब इसमें इतना रस रह जाए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इतना रस इसमें रखना है, पतला रहना चाहिए। इसमें हमने ये जो हमने मसाला भुना था उसको मैंने मिक्सी से ग्राइंड कर लिया। अब इसको हम इसमें डाल देंगे करीबन 2 चम्मच मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको हम चला देंगे। देखो, इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें हम, ये मैंने 3 इलायची का पाउडर है जो मैंने मिक्स पीस लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और गैस हम बंद करके इसे हल्का हल्का चलाएंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। आम का गुड़म्बा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।